एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी, आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं की स्पेस और डिफेंस उसकी टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो आइनस कवरत्ती की तरफ से आ रही है। यह प्रोजेक्ट 28 के तहत बनाए जाने वाला चौथा कुर्वर्ट है और अब इसका इंडक्शन इंडियन नेवी में कर लिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं जिसका आज इंडक्शन हुआ। प्रोजेक्ट 28 के तहत कामोर्टा क्लास के कुर्वर्ट बनाए गए और इस सीरीज में पहला जो कुर्वर्ट था वो कामोर्टा था, जो कि 2014 में इंडक्ट हुआ। इसके बाद आइनस कदमत आया 2016 में, आइनस किल्टन आया 2017 में, अब 2020 में आइनस कवरत्ती आया है। इसकी खास बात यह है कि 90% इसको इंडिजिनस कंटेंट से बनाया गया है। चीजों का इस्तेमाल जो इसमें किया गया है वो 90% तक भारतीय ही हैं। इसकी खास बात यह भी है कि इसको इंडियन नेवी के इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन द डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन के द्वारा बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कोलकाता की गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा किया गया है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए बनाया हुआ कुर्वर्ट है और इसमें ऐसी चीजें या ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई हैं जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि चीन के विरुद्ध अभी के समय में बहुत ज्यादा आवश्यक है। आईएनएस कवरत्ती को जो ये नाम प्राप्त हुआ है वो पुराने आईएनएस कवरत्ती से प्राप्त हुआ है और वह भी उस समय का कुर्वर्ट था जो कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 में भाग लिया हुआ था। नाग मिसाइल को आप जानते ही होंगे, आज इसका फिर से और अंतिम कहा जा रहा है, ये फाइनल यूजर ट्रायल कहा जा रहा है उसको किया गया। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्राप्त हो जाएगा। इसका ट्रायल पोखरण आर्मी रेंज में 6:45 सुबह में किया गया और इससे पहले 2-3 दिन पहले ही सेंट मिसाइल का ट्रायल हुआ था जो कि एक्सटेंडेड रेंज नाग मिसाइल है, या आपको एक्सटेंडेड रेंज हेलेना मिसाइल भी कह सकते हैं, जो कि हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड वेरिएंट है नाग का ही। तो नाग मिसाइल जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, उसके एक वृहद रेंज, एक एक्सटेंडेड रेंज, या आप कह सकते हैं उस रेंज में आने वाली सारी मिसाइलों का ट्रायल अब किया जा रहा है। मिसाइलों के ट्रायल की बात की जाए तो डीआरडीओ अभी लगा हुआ है और कई मिसाइलों के ट्रायल इस महीने या इससे पहले वाले महीने में किए गए हैं। लगभग 10 ट्रायल इस प्रकार के कहे जा रहे हो चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण ट्रायल हुआ था जो कि फेल हुआ था, वो है निर्भय मिसाइल का ट्रायल। ये कहा जा रहा था कि इसमें इस्तेमाल होने वाले इंडिजिनस इंजन के कारण ये प्रॉब्लम आई है और उस ट्रायल में 8 मिनट की फ्लाइट के बाद यह मिसाइल समंदर में गिर गई थी और इस ट्रायल को फेल माना गया था। पर अब यह खबर निकल कर आ रही है कि इस इंडिजिनस इंजन का, जिसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था इस मिसाइल में, उस कारण से यह मिशन फेल नहीं हुआ था। एक्चुअल में इसका जो बूस्टर सेपरेशन फेज है वह गड़बड़ हो गया था और बूस्टर के सेपरेट ना होने के कारण समय से यह जो मिसाइल है वो अपनी गति और अपनी दिशा भटक गई थी और तब जाके इसको समंदर में क्रैश किया गया। तो इसके लिए जो ये माना जा रहा था कि इंडिजिनस इंजन के कारण ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसा नहीं है और ये कहा जा रहा है कि 2-3 महीनों में ये जो सैंग है, ये जो गड़बड़ है, ये जो ग्लीच है, इसको मिटाने के बाद फिर से इसका ट्रायल किया जा सकता है। और डीआरडीओ की गति देखकर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है इसका जो ट्रायल है वो 1 महीने के बाद भी किया जा सकता है। वहीं एक बहुत महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। हमारे रॉ के चीफ ने नेपाल का दौरा किया और ये दौरा कल हुआ था और ये कहा जा रहा है कि आज वो वापस भी आ चुके हैं। नेपाल का दौरा उन्होंने किस लिए किया? काठमांडू में वो वहां के प्रधानमंत्री केपी ओली और इसके अलावा पुष्प कमल दहल, जो कि उनके धुर विरोधी भी हैं और अभी साथ भी दे रहे हैं और उप प्रधानमंत्री का कार्यभार को मिला हुआ है। एक्चुअल में वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इससे पहले भी दोनों अलग अलग कम्युनिस्ट संगठन के थे और दोनों मिलकर अब सरकार चला रहे हैं। और आपने ये खबरों में सुना भी होगा कि जुलाई अगस्त के समय चीन ने मध्यस्थता कराई थी जब ये सरकार, उनकी कम्युनिस्ट सरकार गिरने वाली थी और दोनों ही जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं वो अलग अलग होना चाहती थी, जिससे कि वहां की सरकार गिर जाती और उतनी सीटें नहीं होती जो कि सरकार चलाने के लिए होनी चाहिए। तो अब ऐसा लग रहा है कि नेपाल भारत के पक्ष में आने वाला है या आने की सोच रहा है, क्योंकि ये जो रॉकेट चीफ की विजिट हुई है वो ऐसे ही नहीं हुई है, इन दोनों ही पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है और वहां पर सरकार गिरने की पूरे पूरे चांस लग रहे हैं। तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के ही कुछ नेता ने यह सोचा कि
भारत से मध्यस्थता की आवश्यकता है, तो भारत की तरफ से रॉ चीफ को भेजा गया। अब रॉ चीफ को ही क्यों भेजा गया, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। वहां की मीडिया यानी कि नेपाल की मीडिया यह कह रही है कि रॉ के चीफ की विजिट हुई है और केपी शर्मा ओली के साथ ये विजिट हुई है, ये मीट हुई है, और ये सोवरेनिटी को खतरा है नेपाल की कि किसी दूसरे देश के स्पाई एजेंसी के प्रमुख के द्वारा नेपाल की गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है या मध्यस्थता कराई जा रही है। तो ये पूरी तरह से एक तरह से कहा जा रहा है कि भारत के हाथ में नेपाल की बागडोर है। अब ये आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के जो स्पाई एजेंसी है उसके प्रमुख का यदि कोई दौरा हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला है। ऐसा हो सकता है कि नेपाल चीन की किसी गतिविधि जो कि नेपाल के विरोध में हो उसका पता लगाया हो या उनको पता चला हो और वो भारत से हेल्प लेना इसके लिए चाहते हो। एक और कारण है, 3 नवंबर को हमारे सेना प्रमुख का नेपाल दौरा होने वाला है, तो उससे पहले की कुछ चीजें क्लियर करनी होंगी या ऐसे कुछ मामलों पर मिल बैठ के बात करना होगा जिसमें भारत अपने स्पाई एजेंसी के प्रमुख को भेजना चाहता है। बहुत मामले हो सकते हैं, इसकी क्लैरिटी तो हो सकता है कि फ्यूचर में मिले या नहीं भी मिल सकती है। आप जानते हैं कि अक्टूबर के अंत में 3-4 दिन बाद भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मीटिंग होने वाली है जिसमें कि दोनों ही देशों के रक्षा मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर आपस में मीटिंग करेंगे। तो इसमें कहा जा रहा है कि बेका साइन होने वाला है और बेका को अब डिफेंस मिनिस्ट्री को यह अप्रूवल मिल गया है, कैबिनेट के द्वारा यह अप्रूवल दे दिया गया है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को या इस एग्रीमेंट को साइन किया जा सकता है। इसके अलावा एक और एग्रीमेंट साइन होने वाला है जिसको मिस्टा कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म है मरीन इंफॉर्मेशन शेयरिंग टेक्निकल अग्रीमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि मरीन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए यह अग्रीमेंट साइन किया जाएगा। हालांकि ये उन बेसिक अग्रीमेंट्स में से एक नहीं है जो कि अमेरिका किसी क्लोज अलाय के साथ, किसी क्लोज अलाय देश के साथ साइन करता है, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण अग्रीमेंट माना जा रहा है भारत के लिए। बेका आप जानते हैं कि जियोस्पेशियल डेटा शेयर करने के लिए है, इससे हमें किसी लोकेशन के एक अच्छा मैप प्राप्त हो सकता है जिससे उस लोकेशन पे अटैक करने के लिए मिसाइलों की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। इसके अलावा अक्टूबर 30 और 31 में भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स के बीच में एक बड़ी एक्सरसाइज हो सकती है और ये दोनों ही जो भारत के सेना के अंग है वो आपस में मिलके बे ऑफ बंगाल में काफी बड़े पैमाने पे गोला बारूद खर्च कर सकते हैं, गोला बारूद का प्रयोग कर सकते हैं। एक्चुअल में ये वार्निंग और अवेयरनेस वार्निंग जारी की गई है कि 30-31 को कुछ 500 किलोमीटर तक की दूरी में इलाके में किसी भी एयर एक्टिविटी को बंद किया जाए, इस तरह के नोटाम जारी किए गए हैं। और यह माना जा रहा है कि इंडियन नेवी और एयरफोर्स यहाँ पर एक तरह से एक्सरसाइज या वॉर गेम कर सकती है। तो ये किस प्रकार की एक्सरसाइज होगी ये तो हमें जब डेट नजदीक आएगी तब पता ही चल जाएगा। फिलहाल में उस समय के लिए भी नोटाम जारी है और हम ये जानते हैं कि अभी 27-28 अक्टूबर में भी नोटाम जारी है, पर वो अरेबियन सी में है और वहां पे भी कुछ ट्रायल या इंडियन नेवी के द्वारा टेस्ट फायर किया जाना है। तो बहुत वृहद तौर पर चीन को मजा चखाने के लिए तैयारियां चल रही है यदि चीन आगे बढ़ने का गलत प्रयास करता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसका एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।